हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में पतंजलि के दिव्य फार्मेसी के चंद प्रभाव वटिका रिव्यू करने जा रहे हैं। यह एक शास्त्रीय दवा है। शास्त्रीय दवाएं वे होती हैं जिनका वर्णन आपको शास्त्रीय ग्रंथों में आयुर्वेद के संहिताओं में मिलता है। सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात करते हैं, तो इसकी प्राइस 75 रुपीज़ में 80 टेबलेट आती है। अगर हम एक टेबलेट की बात करें तो 1 रुपये से भी कम पड़ती है, जो काफ़ी कास्ट इफ़ेक्टिव भी है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लगभग 35 से 36 कंपोजिशन का यूज हुआ है, घटकों का यूज हुआ है, जिसमें शिलाजीत, लोभस, आंवला, अश्वगंधा, भूमि आंवला प्रमुख हैं। डोसेज की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि 1-2 डोसेज की बात करें तो 1-2 टेबलेट विथ है ल्यूकवार्म, हल्का गुनगुना पानी या हल्के गुनगुने दूध से। हल्के गुनगुने पानी या हल्के गुनगुने दूध से लेने से ये फ़ायदा होता है कि दवाओं का अवशोषण ठीक प्रकार से होता है, जिससे उन्हें शरीर में काम करने में आसानी होती है। और दोस्तों, इस वीडियो का मकसद केवल इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि किसी दवा का प्रिस्क्रिप्शन का सुझाव देना है। जहाँ तक इसके इंडिकेशन की बात है तो इसका उपयोग किडनी रिलेटेड समस्याओं जैसे किडनी स्टोन, पेशाब से संबंधित समस्याएं जैसे पेशाब करने में दर्द या कष्ट, या बार बार पेशाब जाना या कम पेशाब का आना, हड्डी से संबंधित समस्याओं जैसे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, स्लिप डिस्क आदि समस्याओं में किया जाता है, या पुरुषों की समस्याओं जैसे शीघ्रपतन, वीर्यपात जिसे धातु रोग भी कहते हैं, स्वपन दोष वीर्य के गुणों में सुधार करता है, पुरुषों के शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ सेक्सुअल क्षमता में भी वृद्धि करता है। इसका प्रयोग हम जनरल टॉनिक के रूप में भी कर सकते हैं। महिलाओं की समस्याओं में जैसे पीरियड के समय दर्द या अत्यधिक पीरियड का आना या कम पीरियड का आना, या बच्चे ओवरी सिस्ट जिसे बच्चेदानी की गांठ कहते हैं, भी उसमें भी यूज होता है। अगर प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग या आपको अल्सर की समस्या है तो आपको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके डोसेज की बात करें तो सप्लीमेंटल डोज है 1 टेबलेट 2 बार, अगर कोई बीमारी है तो उसमें 2 टेबलेट 2 बार। आपको अधिकतम प्रतिदिन खुराक इसकी 2 टेबलेट 3 बार से अधिक नहीं लेनी चाहिए। आप तो दवा का सेवन स्वयं ना करें, इसके लिए आप पतंजलि आरोग्य केंद्र पर जाएं, जहां पर वैद्य होते हैं और वे अपनी सेवा फ्री ऑफ कास्ट या बिना फीस लिए देते हैं, जो आपको आपके बीमारी के अनुसार उचित मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।